क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर माने जाते हैं। आज हम इस वीडियो में दुनिया के टॉप 10 हाईएस्ट गोल स्कोरर के बारे में जानते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। फेरेंडेक हंगरी में पैदाइश हुई, 1940 से लेकर 1957 तक फुटबॉल खेला। उन्होंने अपने करियर में 576 गोल्स किए। स्ट्राइकर, उनका पोजीशन स्ट्राइकर था। तोलियो मारविल्हा ब्राजील से इसका ताल्लुक है। इसने 558 गोल्स किए। अपने करियर का आगाज 1988 में किया और हाल ही में 2019 में रिटायर हुए। तोलियो ने अपने करियर में 40 क्लब्स के लिए खेल चुका है। यूजेबियो दा सिल्वा पुर्तगाल का प्लेयर है। 1957 से लेकर 1980 तक फुटबॉल खेला। इनका पोजीशन स्ट्राइकर था। 639 मैचों में 623 गोल्स किए। गेरहार्ड मुलर प्रोफेशनल जर्मन फुटबॉलर है जो एक अच्छे स्ट्राइकर था। अपने करियर का आगाज 1962 में किया और 1981 को रिटायर हुए। इसी दौरान मुलर ने 793 मैच खेले जिसमें उन्होंने 735 गोल किए। लियोनेल मेसी, हकीकी मानों में अच्छे प्लेयर जिन्होंने सिर्फ एक क्लब से खेलता है। मेसी ने बार्सिलोना क्लब में बहुत से अवार्ड जीते। मेसी ने अपने करियर का आगाज 2003 में किया जो अभी भी खेल रहे हैं। मेसी ने 946 मैचों में 742 गोल्स किए। फेरेंक पिकॉस ऐसे ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। हंगरी और स्पेन की तरफ से खेल चुके हैं। 1943 से लेकर 1966 तक फुटबॉल खेला। 754 मैचेस में 746 गोल्स किए। पिले दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर था। इनका ताल्लुक ब्राज़ील से था। पिल्ला ने अपने करियर का आगाज 1956 में किया। 1977 को रिटायर हुए। 834 मैच में 767 गोल्स किए। रोमारियो, ये भी एक ब्राज़ीलियन फुटबॉलर है जो 1985 से लेकर 2009 तक फुटबॉल खेला। 994 मैचों में 772 गोल्स किए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मशहूर फुटबॉलर, पूरी दुनिया में इनके बहुत से फैंस हैं। पुर्तगाल की टीम की तरफ से खेलता है। रोनाल्डो ने अपने करियर का आगाज 2001 में किया और अब भी खेल रहे हैं। 1070 मैचों में 774 गोल्स किए। जोसेफ बेकन एक बेहतरीन स्ट्राइकर थे। उन्होंने लीग और चैंपियनशिप के मैचेस में सबसे ज़्यादा गोल्स किए। जोसेफ बेकन दुनिया का वाहिद फुटबॉलर है जिन्होंने ज़्यादा गोल्स किए। अपने करियर का आगाज 1971 को किया और 1955 में रिटायर हुए। 530 मैचों में 805 गोल किए। अगर वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।